हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा प्लान है वो है हमारा 27 फीट बाय 51 फीट का प्लान, यानी कि 27 फीट इसका फ्रंट रहेगा। फ्रंट जो है वो 27 फीट रहेगा, लंबाई जो रहेगी वो 51 फीट रहेगी। इस पूरे प्लॉट की अगर हम स्क्वायर फीट में बात करें तो ये हमारा 1377 यानी कि 1377 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। गज में बात करेंगे तो ये हमारा 153 यानी कि 153 गज का प्लॉट है। अगर हम बात करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप भी अपने घर का नक्शा हमसे बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर हमने स्क्रीन पर दे रखा है, तो वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा इसका एक मंजिल बनाने में कितना खर्चा आएगा, कितने कॉलम्स दिए जाएंगे, कॉलम साइज़ क्या रहेगा, आउटर वॉल इनर वॉल कितनी दी जाएगी, ये सब मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। इस पूरे प्लान के अंदर हमने 3 बेडरूम प्रोवाइड किए हैं। 2 बेडरूम के साथ आपको मिलेगा अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम, स्टेयर्स हमने दी है, पूजा एरिया मिलेगा, ओपन किचन प्लस डाइनिंग एरिया हमने यहाँ पर दिया है, कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, लिविंग एरिया हमने दिया है, कार पार्किंग दी है और लॉन एरिया हमने इसके अंदर प्रोवाइड किया है। डायमेंशंस की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसकी कार पार्किंग से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलती है कार पार्किंग 15 फीट 3 इंच बाय 15 फीट 8 इंच की आपको यहाँ पर कार पार्किंग मिलेगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 15 फीट 3 इंच रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 15 फीट 8 इंच रहेगा। तो यहाँ पर आपकी कार, स्कूटर, बाइक इजीली आ जाएंगी। इसके बराबर में आपको मिलता है एक छोटा सा गार्डन एरिया, तो यहाँ पर आप अपने प्लांट्स लगा सकते हो 10 फीट 3 इंच बाय 7 फीट 4 इंच का, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 10 फीट 3 इंच रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 7 फीट 4 इंच रहेगा। जैसे आप आगे बढ़ोगे यहाँ से आपकी एंट्री होती है तो आप आते हो अपने लिविंग एरिया में, तो ये आपका लिविंग एरिया हो जाएगा 9 फीट 11 इंच बाय 15 फीट 7 इंच का आपको यहाँ पर लिविंग एरिया मिलता है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 9 फीट 11 इंच रहेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 15 फीट 7 इंच रहेगा। यहाँ पर आपका सोफ़ा सेट आ जाएगा, यहाँ पर आपका TV आ जाएगा, तो जो भी गेस्ट होंगे उसको यहाँ पर बैठ सकते हैं। इसकी विंडो हमने यहाँ पर दी है, 4 फीट 4 विंडो प्रोवाइड की है ताकि हमारे लिविंग एरिया में रोशनी बिल्कुल ठीक आए। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कार पार्किंग से ही हमने एंट्री दी अपने फर्स्ट बेडरूम में आने के लिए, तो हमारा फर्स्ट बेडरूम हो जाएगा 9 फीट 11 इंच बाय 12 फीट का आपको यहाँ पर फर्स्ट बेडरूम मिलता है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 9 फीट 11 इंच रहेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 12 फीट रहेगा। यहाँ पर आपका बेड आ जाएगा, सामने हमने वार्डरोब के लिए पोर्शन प्रोवाइड किया है। और इस बेडरूम की विंडो हमने यहाँ पर दी है, 4 फीट 4 विंडो हमने इसकी यहाँ पर दी है। इसके बराबर में आप देखोगे यहाँ पर आपको मिलता है कॉमन टॉयलेट बाथरूम, यहाँ पर आपको कॉमन टॉयलेट बाथरूम मिलेगा 3 फीट 6 इंच बाय 7 फीट 8 इंच का, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 3 फीट 6 इंच रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 7 फीट 8 इंच रहेगा। तो ये आपके फैमिली मेम्बर्स और गेस्ट दोनों यूज़ कर सकते हैं इसको। इस कॉमन टॉयलेट बाथरूम का वेंटिलेशन हमने यहाँ पर दे रखा है, 2 फीट 4 वेंटिलेशन है, तो इसकी जो भी स्मेल होगी वो इस वेंटिलेशन के थ्रू पास आउट हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको मिलता है डाइनिंग प्लस किचन एरिया, यहाँ पर आपको मिलता है डाइनिंग प्लस किचन एरिया, तो ये आपका ओपन किचन है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी गैस आ जाएगी, यहाँ पर आपका सिंक और यहाँ पर आपकी डाइनिंग टेबल आ जाएगी। तो 15 फीट 3 इंच बाय 9 फीट 4 इंच का आपको डाइनिंग प्लस किचन मिलता है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 15 फीट 3 इंच रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 9 फीट 4 इंच रहेगा। यहाँ पर आपको 2x2 का यहाँ पर हमने ओपन एरिया दिया है ताकि हमारी जो किचन की स्मेल होगी वो इसके थ्रू पास आउट हो सकती है, तो यहाँ पर हमारा 2x2 का जाल आएगा। यहाँ पर आपको मिलता है एक पूजा एरिया, आप देख सकते हो 9 फीट 11 इंच बाय 5 फीट का, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 9 फीट 11 इंच रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 5 फीट रहेगा। तो काफ़ी बड़ा पूजा एरिया हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। जैसे आप आगे बढ़ोगे आप आ जाओगे अपने बेडरूम्स की तरफ, तो आप देख सकते हो ये आपके बेडरूम्स हैं, ये आपका फर्स्ट बेडरूम है, 9 फीट 11 इंच बाय 12 फीट का आपको यहाँ पर फर्स्ट बेडरूम मिलता है। यहाँ पर आपका बेड आएगा, यहाँ TV, यहाँ पर वार्डरोब, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 9 फीट 11 इंच रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 9 फीट 11 इंच रहेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 12 फीट रहेगा। इस बेडरूम की विंडो हमने यहाँ पर दी जो हमारे OTS से कनेक्ट है, तो 4 फीट 4 विंडो हमने यहाँ पर प्रोवाइड की है। इस बेडरूम के साथ आपको मिलेगा यहाँ से अटैच टॉयलेट बाथरूम, आप देख सकते हो 6 फीट 3 इंच बाय 4 फीट का आपको अटैच टॉयलेट बाथरूम मिलता है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 6 फीट 3 इंच रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 4 फीट रहेगा। इसका जो वेंटिलेशन है वो आपने यहाँ पर दे रखा है, 2 फीट 4 वेंटिलेशन है, तो इसकी जो भी स्मेल होगी वो इस वेंटिलेशन के थ्रू पास आउट हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे हमने 2.5 फीट 4 स्टेयर्स दी हैं,
लैंडिंग जो दी है वो हमारी 5 फीट चौड़ी है। तो यहाँ से आपने फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे, स्टेयर्स के नीचे जो है हमने डोर प्रोवाइड किया अपने OTS के पोर्शन में आने के लिए। तो ये 12 फीट 4 इंच बाई 4 फीट का आपको यहाँ पर OTS का पोर्शन मिलता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 12 फीट 4 इंच रहेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 4 फीट रहेगा। इसमें जाल जो पड़ेगा वो सिर्फ 3 फीट बाई 5 फीट के पोर्शन पर जाल पड़ेगा, बाकी के पोर्शन पर स्लैब आएगी। आप चाहो तो यहाँ पर दोनों जगह कूलर भी प्रोवाइड कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो यहाँ पर अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हो, यहीं पर कपड़े धोकर यहीं सुखा सकते हो। तो ये OTS का पोर्शन आपके यूज़ में अच्छा खासा आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको मिलता है सेकंड बेडरूम, मतलब तीसरा बेडरूम है 9 फीट 11 इंच बाई 12 फीट का, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 9 फीट 11 इंच रहेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 12 फीट रहेगा। यहाँ पर आपका बेड आएगा, यहाँ पर आपका TV, यहाँ पर आपका वार्डरोब आ जाएगा। इस बेडरूम की विंडो हमने यहाँ पर दे रखी है, 4 फीट चौड़ी विंडो हमने इसकी यहाँ पर दी है, आप देख सकते हो, जो हमारे OTS से कनेक्ट है। इस बेडरूम के साथ आपको मिलेगा अटैच टॉयलेट बाथरूम, 6 फीट 3 इंच बाई 4 फीट का आपको यहाँ पर अटैच टॉयलेट बाथरूम मिलता है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 6 फीट 3 इंच रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 4 फीट रहेगा। इस अटैच टॉयलेट बाथरूम का वेंटिलेशन हमने यहाँ पर दे रखा है, 2 फीट चौड़ा वेंटिलेशन है, तो इसकी जो भी स्मेल होगी वो इस वेंटिलेशन के थ्रू पास आउट हो जाएगी। तो ये था हमारा 27 फीट बाई 51 फीट का प्लान। अब बात कर लेते हैं इसकी आउटर वॉल की। तो आउटर वॉल जो हमने रखी है वो 9 इंच की रखी है, इनर वॉल हमने 4 इंच की प्रोवाइड की है। इस पूरे प्लांट के अंदर जो टोटल कॉलम्स हमने दिए हैं वो 18 कॉलम्स दिए हैं। कॉलम साइज़ कहीं पर हमने 9 इंच बाई 9 इंच का रखा है और कहीं पर हमने 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम साइज़ प्रोवाइड किया है। इस पूरे प्लांट का एक मंजिल बनाने में जो लगभग खर्चा आएगा वो 16 लाख के आसपास आएगा, यानी कि 16 लाख रुपये आपका एक मंजिल बनाने में खर्च हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का प्लान, आशा करते हैं प्लान पसंद आया होगा। अगर प्लान पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।